नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इस्लामिक मुल्कों का लीडर बनने के ख्वाब देखने वाले तुर्की में कोरोना वायरस ने कहर बरपा दिया है। यूरोप में मौजूद तमाम मुस्लिम मुल्कों में इस मुल्क में इस बीमारी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बड़ी बात यह है कि यहां जितनी तेजी से संक्रमण के मरीज बढ़े, उतनी ही तेजी से यहां हूर मिलन को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। तुर्की में आज सुबह तक 2020 लोग हूरों की खोज हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। यहां 86,306 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं और यह संख्या प्रतिदिन 4100 के अंतराल से बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि 11 अप्रैल को तुर्की में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 47,029 थी और 1,006 मुल्ले ही हूर मिलन अभियान का हिस्सा बने थे। यानी पिछले 10 दिनों में यहां प्रतिदिन औसतन 100 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तुर्की वही देश है जो पाकिस्तान के बाद भारत की खिलाफत करने वाला दूसरा इस्लामिक मुल्क है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की की मदद को कोई भी मुल्क सामने नहीं आया है। कल तक भारत की घेराबंदी में पाक का साथ देने वाले तुर्की के हेल्थ मिनिस्टर फरटिन कोका आज भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हालत यह है कि तुर्की राष्ट्रपति रेसप तैयब अर्दोगन सार्वजनिक रूप से मोदी की तारीफें करके भारत को ही जाने की कोशिशें कर रहे हैं। दरअसल तुर्की की निगाह भारत द्वारा 55 देशों को भेजी जा रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई पर है। तुर्की कई बार भारत से इस दवाई को भेजने की गुहार लगा चुका है, मगर मोदी के आश्वासन के बावजूद भी तुर्की को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं भेजी गई है। पर असली चिंता तो इससे भी बड़ी है। तुर्की द्वारा जिन 30,864 लोगों के टेस्ट किए गए, उनसे जो औसत निकलकर सामने आया, उसने इस सुन्नी मुल्क के होश फाख्ता कर दिए हैं। यहां 2,022 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका मतलब है कि तुर्की इटली या स्पेन बनने की राह पर बढ़ रहा है। तुर्की के इस्तांबुल, इजामिर, ट्रेबजन, रिज, अंकारा और बरसा प्रांतों में कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। फरटिन कोका ने माना है कि एक महीने के भीतर ही तुर्की में 80,000 लोग मारे जा सकते हैं, जबकि 6,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय ने 31 शहरों में कर्फ्यू की घोषणा की थी, मगर यहां भी मजहबी मुल्ले मस्जिदों में सिर पटकने से बाज नहीं आए, जिससे तुर्की में संक्रमण के मामलों में बेतासा वृद्धि हुई है। अब हालत यह है कि तुर्की कोरोना के पायताने बैठा है और यहां रोजाना मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पर मामला यहां तक नहीं है। तुर्की में बढ़ते संक्रमण के मामलों के पीछे इस्लामिक कठमुल्ले और पाकिस्तान की तबलीगी जमात से मुल्क में लौटे जाहिल जमाती है। फरटिन कोका तो खुलेआम कह चुके हैं कि उनके देश को कोरोना वायरस की भट्टी में झोंकने वाला पाकिस्तान है। यहां 1,800 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने मार्च 2020 में अवैध ढंग से तुर्की में प्रवेश किया था, जिसमें 150 से ज्यादा पाकिस्तानी तैमनबाज कोरोना संक्रमित थे। यह सभी पाकिस्तानी समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से तुर्की पहुंचे थे। हालांकि तुर्की ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर यहां भी मुल्ला अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, जिससे संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि तुर्की की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह लड़खड़ाई हुई है, इसलिए सरकार ने लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटीन कर दिया है। पर्याप्त इलाज के नहीं होने के चलते भी यहां मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तुर्की राष्ट्रपति रेसप तैयब एर्दोगन ने 2 दिन पूर्व भारत से फिर गुहार लगाई है कि वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 5 मिलियन टैबलेट निर्यात की अनुमति दे, मगर भारत की तरफ से उसे इस बार कोई आश्वासन नहीं दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह पहले अपने मित्र देशों को इस दवाई को उपलब्ध कराएगा, उसके बाद ही अन्य देशों को देने पर विचार किया जाएगा। तुर्की में बड़ी संख्या में मुल्ले मारे जा रहे हैं, मगर एर्दोगन सरकार विवश है। 31 शहरों में लगाए गए कर्फ्यू से संक्रमण के प्रसार में उसे कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। इसको लेकर अभी यहां के नागरिकों में एर्दोगन के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझा, जिसका खामियाजा अब लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की में पाकिस्तानियों के प्रति भी नफरत और गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर तुर्की मानते हैं कि पाकिस्तानियों ने तुर्की में घुसकर यहां के हालात ज्यादा पेचीदा कर दिए हैं। अधिकतर पाकिस्तानी टोपीबाज अभी भी छुपे बैठे हैं और वे टेस्टिंग से बचते फिर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वे टोपीबाज हैं जो अवैध रूप से तुर्की में दाखिल हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर वह सामने आए तो उन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। इस वजह से भी तुर्की कोरोना बम बन गया है, यानी एक और मुल्ला मुल्क का चूल्हा ठंडा होने की ओर
बढ़ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आपको, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।